A potentiometer wire of lengths L and resistance R are connected in series with a battery of EMF E naught and a resistance R1. तो देखो क्या दिया है आपको, एक पोटेंशियोमीटर वायर दिया है ये वाला, इसका लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, इसको हम लोगों ने कनेक्ट किया किसके साथ, बैटरी के साथ, बैटरी का वोल्टेज आपको दिया है E नॉट, एंड इसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है आपको, R1 दिया है, एंड अननोन EMF E इज़ बैलेंस एट अ लेंथ L1, ओके, अननोन EMF भी हम लोगों ने यहाँ पर कनेक्ट किया जिसका वैल्यू कितना है, E है, एंड ये कहाँ पर बैलेंस हो रहा है, तो ये लेंथ L पे बैलेंस हो रहा है, द EMF E विल बी गिवन बाय, ओके। अरे ये तो चलो सॉल्व करते हैं, तो देखो ये मान लो पॉइंट P पे बैलेंस हो रहा है, ये वाला पॉइंट A मान लो, ये वाला पॉइंट B मान लो, तो E को क्या लिखा जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। तो सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए सॉल्व करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी ए बी, पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए एंड बी डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी ए बी निकालना पड़ेगा, वी ए बी मतलब वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो क्या आएगा, देखो यहाँ से जो भी करंट फ्लो होगा आए, वही करंट यहाँ से जाने वाला है, वी कैन राइट आई इन टू आर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी। तो अभी हमें सबसे पहले करंट निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ और KVL, करंट कितना आएगा नीचे में से, ई नॉट डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर आ जाएगा, सब कुछ पुट करते जाओ, तो फाइनली आपको वी ए बी, देखो यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में अगर हम लोग जाएंगे तो ये वी ए बी कितना आ जाएगा, ई नॉट बाय आर वन प्लस आर इन टू आर, के का वैल्यू कितना आ जाएगा, ई नॉट बाय आर वन प्लस आर इन टू एल इन टू आर आ जाएगा। तो जो आपका ई है, ई का वैल्यू होगा E नॉट R डिवाइडेड बाई L इंटू आर वन प्लस आर इंटू ये छोटा L होगा, राइट। तो ऐसा ऑप्शन देखो, E नॉट R L ऊपर है, ओके, ऑप्शन B इन C दिखाई दे रहा है, आर वन प्लस आर इंटू कैपिटल L, तो ऑप्शन C इज़ अ करेक्ट वन, राइट। पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी है।